गुरु पूर्णिमा के दिन डॉक्टर एपी सिंह शायद जी ने, शायद भाई ने मुझको वीडियो भेजी थी, एपी सिंह जी सीमा जी के द्वारे पधारे और उनकी मैंने लाइव देखी। तो हमने तो जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद ऐसे तो सुने कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बसपा बहुजन समाज पार्टी मुर्दाबाद, ये तो सुनते रहते हैं पार्टियों के लिए। पर हमने आज पहली बार ऐसा भी सुना कि जैसे डॉक्टर एपी सिंह जो खुद को अपने लिए डॉक्टर कहता है, वो सीमा के बच्चों से कहलवा रहा था कि वकालत का पैसा जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर का पैसा जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस का पैसा जिंदाबाद। अबे भैया, अबे ये मैं बता रहा हूं, ये एपी सिंह पूरी वकील बिरादरी को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करवा रहा है। हर एक व्यक्ति जब इसकी कोई वीडियो देखता है ना, तो इसकी खिल्ली उड़ाते हैं। इसकी जोकर है, जोकर जोकर सर। अच्छा आपने सर वो वीडियो पूरी देखी? और सुनिए, और ओ, 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 ए, ए, एक और सुनिए, एक और सुनिए। उन्होंने, अब देखिए सचिन और सीमा का परिवार पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उनको चूतिया कैसे बनाया कि हम तो सूरजपाल जी के केस में लगे हुए थे और हमने उसमें कामयाबी ली। अबे भैया, सूरजपाल के खिलाफ कोई मुकदमा है ही नहीं, तूने उसमें कामयाबी कहां से ले ली? क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहा है? क्यों वकालत के पैसे को गुमराह कर रहा है? कि नारायण साकार हरि, नारायण साकार हरि को हमने फतेह दिलवा दी। अबे नारायण साकार हरि के खिलाफ कोई मुकदमा हो तभी तो तू फतेह दिलवाएगा। अबे घंटे बात तो कर, तमीज से तो बात कर, तुझे जानकारी नहीं है, तेरे पास मुकदमा है, मुकदमे है ही नहीं। किसके विषय में बात कर रहा है तू? नारायण साकार हरि के विषय में बात कर रहा है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा है ही नहीं। तूने उसमें कहां से फतेह हासिल कर ली? कहां से तेने वो मुकदमा जीत लिया? काहे का उसके खिलाफ मुकदमा है? बेकार की बातें करना, हम पे तो साहिब जी और फैसल भाई नहीं आता। चलिए अच्छा सर, सर अहमद साहब, सर कल सरिता बहन एक सवाल करी थी बार बार, फिर रात में उन्होंने ये बात थी कि चले अगर आप खुद से बेल कैंसिल कराने के लिए अदालत नहीं जा सकते, अगर सरिता बहन कोई और आता है आपके पास, आप वकील और इसकी बेल कैंसिल करवाए, तो शाहिद जी मैंने आपसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं एपी सिंह नहीं हूं। मैं अपने पैसे के प्रति बड़ा खुद्दार व्यक्ति हूं। मैं सर आपने नहीं करना, कोई क्लाइंट आता है, मैं सुनिए मेरी बात, ठीक है? बताना क्या, इशारा समझ जाया करते हैं, बार बार इशारा नहीं दिया जाता, बार बार एक ही बात को मुझसे मत। हाँ, जितने मुकदमे सीमा पर भारत के अंदर लगेंगे, सीमा उतना ही वक्त भारत में रुकेगी। और मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, सीमा के खिलाफ यदि जिस मामले में मैंने इसकी भगोड़ी की मैंने जमानत कराई थी, अगर ये ही मुकदमा होता तो हो सकता है कि बहुत जल्द तय हो करके, सीमा को सजा हो करके ये वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट हो गई होती। सर कल भी करा था कि देखें वो जो FIR 159 है ना सर, उस FIR में अगर पुलिस होती, उसकी चार्जशीट होती, उसका चार्ज फ्रेम हो जाता, उसके बाद फिर मजीद प्रोसिक्यूशन होती, ट्रायल मुकम्मल होता, तो एक साल में, डेढ़ साल में, दो साल में मामला निमट जाता। यहाँ तो डेढ़ साल गुजरने के बाद भी पुलिस की चार्जशीट नहीं पेश की, केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो कैसे उसको हम ये कहेंगे? देखिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए,
इसी चीज का मुझको भी बड़ा मतलब ताज्जुब हो रहा है कि जिस समय सीमा की गिरफ्तारी हुई थी उसी समय तो भारत के अंदर आए हुए, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, उसी समय नाइजीरिया लोगों, नाइजीरिया के 5-6 व्यक्ति थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी सेम सेक्शन में। और मैं मानता हूं कि सौभाग्य से उनका ट्रायल भी मैं ही फेस कर रहा हूं। मैं जो नाइजीरिया के जो व्यक्ति हैं उनका जो ट्रायल है उसी को भी मैं ही फेस कर रहा हूं। मैं तो उनकी चार्जशीट बहुत समय पहले आ गई थी, मैं वही आप सर्च कर रहा हूँ मोमिन मलिक साहब ने। अब चूंकि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी उसी यहाँ से पूरी नहीं की, तो जहाँ संविधान उनको इजाजत देता था, जहाँ संविधान उनको इजाजत देता था, जहाँ बच्चों सीमा को गिरफ्तार किया गया, जहाँ से बच्चों के ऊपर कानूनी चारा जो थी वो कानूनी तौर पर पूरी नहीं की गई, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, सौ किस्म के कांड ड्रामे किए गए इसको यूनिवर्सिटी को लेके, शादी बीवी किसी और की, बच्चे किसी और के, तमाशा किसी और, तो ये कानून उनको संविधान परमिशन देता था तभी तो उन्होंने इतने सारे केसेस किए हैं। अगर पुलिस संजीदगी से एक पेश कर देती तो सर मोमिन मलिक साहब को इतने झगड़ा करने की क्या जरूरत थी, वो तो उसी केस पे ही फोकस करते। जब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इस मुकदमे में एक हराम खोर की एंट्री ना होती, समझ जाइए आप, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, समझ जाएंगे सारे, आप भी समझ जाओगे, सारे दर्शक भी समझ जाएंगे, एक हराम खोर की, एक जोकर की, एक बंदर की एंट्री ना होती तो कुछ नहीं था। तो सर देखिए मामला अब स्टेट से पर सुनिए वो बोलिए उसका तो कोई कागज नहीं है, वकालतनामा नहीं है, वो तो खाली मुंह बोला भाई बन के बैठा है और कुछ भी नहीं बन के बैठा है। कुछ नहीं। तो उसने ऐसा किसको खरीदा है, ऐसा कौन है इसके ऊपर जो इसको रहने दे रहा है, इन आदमी ने तो अपना कहीं सिक्का भी नहीं लगाया, कहीं फैमिली नहीं लगाई है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कौन है रघुपुरा के लोग, रघुपुरा का सरपंच, गौतम नगर, गौतम बुद्ध नगर का एमएलए, सब लोग कहाँ गए? देखिए बहन जी, इस विषय में मैं नहीं कह सकता, एज ए एडवोकेट मैं नहीं कह सकता कि उसके ऊपर कौन है, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि कोई है। सुनिए, हाँ, मैं मानता हूं कि यदि इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोर्ट में चार्जशीट इसके खिलाफ नहीं आई है तो कुछ ना कुछ, पर सुनिए मेरी बात में, हो सकता है फैसल भाई, बहन जी, शायद जी, हो सकता है कि सीमा के मामलात में अभी भी कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हमारी जांच एजेंसी है वो कर रही हो। मेरी बात सुनो, जांच एजेंसी का नाम मत लो, जांच एजेंसी इस तरह जांच नहीं करती है, अभी पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, पुलिया निकलती है, घर में नशा भी होता है, दंगा भी होता है, सब कुछ होता है। सुनो सुनो सुनो, आपके घर में गौरव है वो आपके नौकर की मर्जी से नहीं होगी, आपकी मर्जी से होगी, आप समझे, आपके नौकर उसको होल्ड करके बैठे, लेकिन वो बोल ये रही है वो हमारे पीएम सीएम का गुलाम ना ले रही है, दुश्मन देश के औरत हमारे देश के पीएम सीएम का नाम गुलाम ले रही है, उसको वो उठा के हमारे पीएम सीएम को उसको उठा के बैठना चाहिए। सुनिए कसाब ज्यादा, ये कसाब से भी खतरनाक है। बहन जी मेरी बात भी तो सुन दीजिए, आप सुनेंगी क्या? सुनेंगे बहन जी। देखिए मैं और पूरा देश और आप भी जानती हैं कि सीमा एक अपराधी है और एक अपराधी यदि सीएम जिंदाबाद और पीएम जिंदाबाद करके अपने अपराध को छुपाने का प्रयास करेगा
तो मैं मानता हूं बहन जी कि जो जेलों के अंदर उम्र कैद पाए हुए अपराधी भी यदि सीएम जिंदाबाद और पीएम जिंदाबाद करने लगे तो उनका अपराध क्या माफ हो जाएगा? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि योगी जी जिंदाबाद, वो जिंदाबाद जिंदाबाद का लाइन क्या बोलती है, मैं इनकी वजह से ही यहाँ हूँ और इनके घर में हैदर की आने की ताकत नहीं है और किसी की ताकत नहीं मेरे को निकालने की, मैं इनकी वजह से हूँ। आपके घर में घुसी हुई औरत उसके उसके सर पे नौकर हाथ फिरा रहा है, लेकिन वो बोल रही है कि हम जिनकी वजह से मैं इस घर में रह रही हूँ। तो रियल कल्प्रिट आप बनोगे, तो जो हमारे पीएमसीए में बड़े इधर सुन रहे हैं उनको, हम एक नागरिक है, हम वोट देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम उनको ये बोलेंगे कि सर जी आपका नाम बदनाम कर रही है, इस औरत को दुश्मन मुल्क की आईवी को उखाड़ के फेंक दो। अगर आप उखाड़ के नहीं फेंक रहे उसके पीछे क्या राज है? अगर कितनी भी टेररिस्ट है इसको चेन बांध के जेल के अंदर रख दो, इसको ऐसा बांध दो कि बस नहीं। बहन जी मेरी बात सुनिए आप, सीएम और पीएम हमारे देश के कानून से बढ़कर के नहीं हो सकते। ये मामला सीएम और पीएम का नहीं है, हमारे देश का जो कानून है उससे संबंधित मामला है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन नाम ये नाम उनका लेते ही है तो उनको उनको डिफेमेशन डालना चाहिए, ये पाकिस्तान की औरत हमारा नाम लेके हमारे देश में घुस रही है। अरे अरे कोई भी नाम कोई किसी के लिए आप कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं पूछ सकते। नहीं बिल्कुल नहीं 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 मेरी बात सुनो, जुबान है ले दो, जुबान है किसी का नाम ले दो, किसी का है तो जा रहा हूँ मैं गली मोहल्ले में बोलना और सोशल मीडिया पे बैठ के बोलना बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है, पर मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे सोशल मीडिया को बता देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इसका रिजल्ट निकलेगा क्या, भारत की जेल के अंदर जो भारत की कोर्ट माननीय न्यायालय इसको सजा देंगे, उस सजा पूरी होने के बाद में इसको बहन जी वापस एक दिन पाकिस्तान में डिपोर्ट होना पड़ेगा, चाहे इसका जोकर भाई हो या उसको कुछ कुछ कह दो, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ आप बहन जी, आप भारत की न्यायपालिका पर भरोसा रखें, आप बस भरोसा सबको है, लेकिन जो नजर भरोसा निकल रहा है और ये तो पहली बार देखा है कि चार बच्चे लेके तो औरत एंटर हो गई है। अब चार बच्चे क्या, चार बच्चे एक तो बनना है वो वकील बनाने, और मेरी बात सुनो, मेरी एक बात वकील बनाऊंगा कुछ दिन पहले, मेरी कुछ दिन पहले बाइक चोरी हुई, सुनो मेरी कुछ दिन पहले बाइक चोरी हुई, अब वो बंदे ने परचेज करने का बोला था और मेरे को बयाना देके ट्रायल के लिए ले गया और ट्रायल पे लेने के बाद वो गायब हो गया, तो मैंने कहा मैं तो ट्रायल के लिए डूबी, उसने 5000 पे किया 2.5 लाख की चीज का, तो मैंने कहा ट्रायल पे डूबी लेकिन तेरा क्या प्रूफ है मेरे को, तो उसने मेरे को अपने आधार कार्ड का फोटो ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो दिया, जब मैं पुलिस स्टेशन ले गई पुलिस स्टेशन ने वो आधार कार्ड का नंबर जैसे उनको सर्वेलेंस पे डाला तो किसी और का निकला, सुनो मेरी बात को, तो सीमा के पास जो फेक आधार कार्ड थे तो बॉर्डर पे ऐसी सर्वेलेंस की फैसिलिटी, मेरे गली नुक्कड़ के पुलिस स्टेशन में ये फैसिलिटी थी, तो क्या बॉर्डर पे ये फैसिलिटी कि जो भी आधार कार्ड दिखा रहे उसको सर्वेलेंस पे डाल के चेक किया जाए? आप मुझे ये बात बताइए, चलो उसमें से मैं जो मेरी आपके सामने 2 मिनट में पुलिस वाला देख के बोल रहा है कि ये बंदा अपने आप को 40 साल का इसमें दिखा रहा है, ये नाम है, ये आधार कार्ड इस नाम का निकला है, सुनो उसका वो कोड होगा उससे वो निकल जाता है, तो ये सर्वेलेंस सीमा में क्यों यूज दिखा, 5 आधार कार्ड ऐसे निकल गए बिना सर्वेलेंस में डाले, आपका मामूली बात है। आप सुनिए पूरा पाकिस्तान लेकिन इंडिया के अंदर घुस के आ जाएगा। बहन मेरी जब आप इतना नाराज हैं तो मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूं,
सीमा के खिलाफ जिस दिन मैं रमू सुना रही हूँ जिस दिन सीमा ने कर दी याद रखना और मैं पहुंचूंगी आपके घर से पहले अटक मारूंगी फिर आप मुझे लेकर रास्ते पर। बिल्कुल मोस्ट वेलकम आइए मेरे मेरे घर नहीं है मेरी तो छोटी सी झोपड़ी है बहना मेरी छोटी सी झोपड़ी है मेरी तो मेरी बात सुनो सुनिए मेरी बात आइए आप और मेरी छोटी सी झोपड़ी में आपके चरण कमर रखे जाएंगे तो मेरा बड़ा अहोभाग्य होगा आएंगे आप पर मेरी बात आपने मेरी बात जो कहना चाहता था ना भूल गया मैं सीमा के बारे में आप सीमा के बारे में कुछ कह रहे थे सर मतलब सीमा के बारे में क्या कह रहा बड़ी अच्छी बात बताता मैं आपको सीमा के हवाले से जी प्रसर सर आप भी बात करने लगे जी बात क्या मैंने बड़ी अच्छी बात बताता ना तरुण पांच आधार कार्ड उससे बरामद हुए सारे गलत काम उसने किए उस पर इसको छोड़ दिया गया यहाँ बैठ के वो तमाशा लगा रही है पांच आधार कार्ड हमारे यहाँ के सुन तो लीजिए हाँ आगे मुझे ध्यान आएगा जो हमारी जांच एजेंसी है ना उन्होंने अब तक बहुत अच्छा काम किया और मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं जो अभी तक मैंने आप मैं किसी को नहीं बताई सीमा के खिलाफ 159 में सेक्शन की बढ़ोतरी हो चुकी है तो चार्जशीट तो नहीं है सर चार्जशीट भी आ जाएगी परेशान ना हो आएगी अच्छा आएगी चार्जशीट भी तो वो जो जो सुनिए मेरी बात सुनिए यदि क्या लगी है सर उसकी सुनिए मेरी बात सुनिए वो अभी उजागर रहे कंफर्म आप कल बताऊंगा मैं आपको कल बताऊंगा रिपोर्ट मेरे पास है पर लेकिन फाइल ढूंढनी पड़ेगी मुझे पर चूंकि कल मेरे पास वर्क कोट में ज्यादा है तो कल नहीं ऑफिस से आकर ही आपको बता पाऊंगा मैं ठीक है सर अच्छा ये तो मतलब जो जो विदेशी अधिनियम की लगाई थी धारा उससे हटके एक और धारा ऐड कर दी गई आप करें शामिल कर ली गई है उसमें एक नहीं दो 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 धाराएं तो अभी मतलब बढ़ चुकी हैं और इसके खिलाफ वो और भी बहुत धाराएं बढ़ने वाली हैं बहुत बढ़ने वाली है मुमकिन तौर पर अगर मालूम हो तो मुमकिन तौर पर कौन सी धाराएं हो सकती है सर मेरा फोन चल रहा है आपके साथ लाइव चल रहा हूँ वरना मैं प्रयास करता कि मेरे फोन में मतलब उसकी रिपोर्ट में देख चुका था पर आपको कल बताऊंगा आप 11 बजे मुझे कॉल करना तो मैं कोर्ट से देख एक सवाल है कि ये सेक्शन 159 में सजा कितने साल की होती है ये हमारे सेक्शन नहीं है एफआईआर 159 है जो उसके ऊपर जो सेक्शन नहीं एफआईआर ये एफआईआर नंबर है एफआईआर का नंबर है 159 क्राइम नंबर है ठीक है 14 विदेशी अधिनियम इसमें लेकिन उसके साथ मजीद दो धाराएं लग गई आप कह रहे सुनिए हाँ सुनिए मेरी बात अगर मजिस्ट्रेट ने कम से कम भी सजा करी ना इसके खिलाफ कम से कम भी सजा इसको करी तो दो वर्ष होगी दो वर्ष कम से कम अच्छा जी सर असल में जो जो देखिए पुलिस का जो अदालती कार्रवाई कानूनी जो मामला चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर अब यहाँ पर किसी ने कुछ बोल दिया वो भी उसकी अपनी वीडियो से चीजें निकाल के ये देखिए इसने बच्चों के साथ ये किया फलां को गाली दे दी फलां को ये बोल दिया फलां को ये बोल दिया उस पर भी घंटों एक लेक्चर तो सामने आ जाएगा लेकिन उसको दुरुस्त करने वाला कोई नहीं आया तुम बनो एक कहावत और है जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है
दूसरा नेत्रपाल भी इसीलिए आया था। सुनिए, अरे आप मैंने जो कल आपने जो मुझे गाना भेजा था ना, तो मैंने कई बार सुना था वो सर। मुझे भी किसी ने भेजा, मुझे भी किसी ने भेजा कि आपका और मेरा दर्द समझ के ना किसी ने भेजा था कि सुनो, तो फिर वो मैंने भी सुना, फिर मैंने आपको ही भेज दिया। और उनका ये कहना है कि तकरीबन पुराना गाना वो, मैंने कई बार मतलब मैं उस गाने को मतलब सुनते सुनते सो गया था मैं। सुनते और सर, मैंने तो सुबह मतलब उस गाने को सुन करके मुझे नर्वसता महसूस हुई, नर्वसता हुई थी मुझे कि तेने पागल ने क्या कर दिया। अहमद साहब उसकी वर्डिंग हो जाए ना, दोबारा सुना देना गुनगुना के, वो गुनगुना के दोबारा सुना देना सर। मैं एक कमेंटेटर ने कहा है कि कविता मैम अभी तक पाकिस्तान हमारा दुश्मन दिखले नहीं, पाकिस्तान का हमारा दुश्मन देश नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ नहीं मजे की बात ये है कि ये जो लफ्ज अभी इन्होंने बोले ये मैं नहीं कह रहा था, ये मैंने सोच लिया था कि रिप्लाई में यही कहूंगा कि बेसिकली ये कहने का मतलब इसलिए होता है कि बात पे वजन दिया जाए, वरना कविता जी हमारी बहुत पुरानी पैनलिस्ट है और हम इनको बहुत करीब से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी भी ऐसा नहीं है, ये समटाइम ऐसा होता है कि अगले से क्वेश्चन किया जाता है कि एक तरफ तो हमें ये सुनने को मिलता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं उसको ये लफ्ज एपी सिंह बार बार कहता है, तो ये उन्होंने एपी सिंह को कोट करके ही बात की, उन्होंने अपनी जाती बात नहीं की। तो ये मैं उस वक्त भी बात मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था, तो कविता जी ने खुद ही इस बात। अच्छा बेहतर भाई, दूसरी बात जैसे बता रहे ना कि पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया होता ना, वो जैसे ये बता रही बहन कविता बहन या दूसरे लोग जो देखते हैं ना, वो ओवरऑल जो रवैया होता है उसके ऊपर भी लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरों के साथ तो ये सीन आ रहा है, ये है और सीमा के मामले पे जो है वो कुछ रवैया दूसरा है गवर्नमेंट का। तो जाहिर लोग सवाल उठाते ना कि एक तरफ से तो आप कहते हैं दुश्मन देश है, दूसरी तरफ सीमा को आपने खुला छोड़ा हुआ है कुछ भी कर दे, तो लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन ये कभी इस तरह जाती तौर पर किसी कर रहे हैं शायद भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रासर सर के साथ किसी ने लाइव की है तो मेरा ख्याल है क्रेडिट आपको जाता है, और अच्छी बात थी कि आप मौजूद थे तो वो प्रासर सर यहाँ पर मौजूद हुए और एक अच्छा इंटरव्यू हो गया। बात करने का मकसद ये है कि सब एक सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो हमें जरूर दीजिएगा कि वो कल कब आएगी जब वो कहते हैं कि कल बताऊंगा। देखिए असल में पता क्या, वो बल्कि आ गए, दोबारा से आ गए, आ गए जी, बिल्कुल आ गए। असल में पता क्या, हेमंत साहब सर लोग कहते हैं जी वो कल कब आएगी, जब आप अक्सर बताते ना कि कल आएगी तो कल मैं ये चीज बताऊंगा, मेरे ख्याल में कोताही हमारी बात ये हो जाती है हेमंत साहब, कल हम जाते हैं फिर हम तीसरे दिन जब इनकी जरूरत पड़ती है तो हम तीसरे दिन फिर इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल में उनकी कोताही हमारी कोताही, हमें फर्क करना चाहिए। अगर हेमंत साहब आप सुनिए उस कल के बारे में बता देना चाहता हूँ, यदि मेरे खुदा ने मेरे भगवान ने मुझको कल उठा लिया या रात में उठा लिया तो हो सकता है कल आएगी नहीं, वरना अगर मैं जिंदा रहा तो कल जरूर आएगी जनाब। कल आती रहे, लेकिन हम लोग हमने स्कूल में ये पढ़ा है कि कल कभी नहीं आती है, आती है, भरोसा रखिए ऊपर वाले पर, कल आएगी। अहमद साहब सर, सवाल यहाँ ये आ रहा है कि जो लोग सचमुच में प्यार करते हैं ना सर, सचमुच में प्यार जो पाकिस्तान में रह के इंडिया में रह के एक दूसरे से सचमुच में प्यार करते हैं ना सर, तो वहाँ गवर्नमेंट आ जाती है। अभी एक पाकिस्तानी वेबसाइट के ऊपर खबर लगी है कि महाराष्ट्र की एक लड़की ने पाकिस्तानी से फेसबुक के जरिए उसने दोस्ती की, मोहब्बत की और शादी कर ली, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जांच बिठा दी है, उसके खिलाफ तो तुमने आधार कार्ड तुमने अपना नाम क्यों यूज किया, और जो सीमा साबित हुआ उसे वो मजे कर रही है वहां। मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हमारे देश का एक कानून है, अगर तुम किसी को भी इलीगल अपने देश में घुसपैठियां बनाते हो, सुनो,
जो बंदा किसी को घुसपैठा उसका नागरिकता छीनने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है। सचिन की नागरिकता क्यों नहीं छीनी जा रही है? नेत्रपाल की नागरिकता क्यों नहीं छीनी जा रही है? ऐसा कानून है ही नहीं। मैं इलीगल एंट्री किसी को अपने देश में करवाती हूँ तो उसकी नागरिकता छीनने का कानून है। देखिए सुन, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कानून है ही नहीं बहन जी। है मैं बहुत विश्वास कर रही हूँ, नागरिकता छीनने का कानून है। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कानून है ही नहीं। यदि किसी विदेशी नागरिक को अपने भारत मतलब अपने देश में कोई भी इलीगल एंट्री देता है तो उसकी नागरिकता छीनने का कोई भी कानून भारत के संविधान के अंदर नहीं है। और यदि संविधान में आपको भेजूंगी, बिल्कुल नहीं, मैं आपको भेजूंगी, बिल्कुल मैं आपको भेजूंगी, भेजो या देखिए सुनिए मेरी बात, कब है, कब किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है? या तो कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ यदि षड्यंत्र रचे, या जो हमारा जो देश का राजनेता है, मुख्य राजनेता है, उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचे, तभी उसी मतलब मैं अपने भारत के हिसाब से बता रहा हूं, उसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। यदि किसी को देश के बॉर्डर में घुसाने वाले की भी नागरिकता जाती है, फिर एक आधार कार्ड वाला का निकाला, लेकिन फिर आधार कार्ड बनवाने सचिन गया था, सचिन पे क्या एक्शन आया? मेरी बात सुनिए, सचिन तो कह देगा मैं तो लाया नहीं उसको, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस ग्राउंड पे किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकती। हो सकता है सचिन पे कोई सचिन साफ सुथरा है? अरे सचिन पे कैसे मुकदमा नया चल रहा है? सचिन के खिलाफ भी सेक्शन बढ़ रहे हैं बहन जी, कैसी बात कर रही हैं? खाली जेल में, मेरी बात सुन अहमद सर, सचिन को जेल में डाल रहा, वो लॉक लगाओ, वो सब कुछ बख देगा। मैं डल रहा हूं, मैं आप ही डलोगे, आप निकलवा के लाए तो आप ही डलोगे, अपने अंदर पिंजरा बोल रहा है, आपके पिंजरे में डालो। सीमा जी की बात को ये बोलूंगा, तुम ही दर्द दिया है, तुम ही दबा देना। फैसल भाई मेरी बात सुन लिया शायद जी, आज जो पुरानी बातें हैं मैं आपसे दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। मैं हो सकता है कि इस जमानत को मैं ना करवाता तो मेरा और आपका रास्ता आज नहीं हो रहा हो। तो मैं तो अपने भगवान का और अपने खुदा का शुक्रगुजार हूं कि पता ना ये मामला मेरे पास कैसे आया और आपसे मेरी मुलाकात होगी सर। और सुनिए, एक और बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए आपकी वजह से क्योंकि आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, मैं भारत का रहने वाला हूं, और सीमा ने मुझे बड़े प्यारे शब्दों में मुझे आतंकवादी बता दिया कि मैं शेख फैसल भाई से बात करता हूं तो मैं आतंकवादी, शाहिद जी से बात करता हूं तो मैं आतंकवादी, मुझे पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, मेरे बैंक अकाउंट की जांच करी जाए, मोमिन मलिक के बैंक अकाउंट की जांच करी जाए। तो यदि मैंने आपसे शाहिद जी कल भी कहा था, यदि शाहिद जी से तो मैंने कल कह दिया था, फैसल भाई मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि आपसे बातें करने का नतीजा मुझे आतंकवादी का दर्जा दे मिलता है तो मुझे वो स्वीकार है।
लेकिन एपीसी सिंह कहाँ से बात कर रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। एपीसी सिंह सुनिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एपी सिंह के विषय में कि हमारी पूरी जुडिशरी भी जानती है कि ये लुक्का है, लुक्का लुक्का। आज एक जुडिशरी के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हो रही, तो उन्होंने इसके लिए कहा था कि ये तो लुक्का है, लुक्का लुक्का। और कल देखो कैसे जोकर की तरह गुरु पूर्णिमा वाले दिन कैसे जोकर बन के आया था, मदारी मदारी बहन जो फाटा डाल के नहीं है इतना लंबा हो और कह रहा वकील का पेशा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो पहली बार ला रही है कॉमेडी के साथ साथ सुनो, सचिन देखो पर भी यही कॉमेडी करो, सचिन बंदर है, सचिन लाल उखाड़ेगा पाकिस्तान का, ये सब बॉर्डर को खोटा खोटा मुख्य सारे दिए थे, उसके जवान लगा के पैसे देते हैं, जब पाकिस्तान को उखाड़ सकते हो किसी को खड़ा रखे, जो तनख्वाह जा रही हमारी सीमा के लिए पुलिस रखने की, अपना घर तो उखाड़ के दिखा सचिन पहले। तेल देखो, तेल की धार देखो, सुनो बहन मेरी, तेल देखो, तेल की धार देखो। अगर मैं कहने लगू कि मैं ये उखाड़ लूंगा, भैया मुझ में जितना दम है मैं तो उतना ही उखाड़ सकता हूँ। हो सकता है कि मैंने आज तक मेरी आज तक शायद जी किसी व्यक्ति से मतलब बाजुओं से लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैं बाजू की लड़ाई कभी नहीं करता। मैं फैजल भाई सऊदी में रहते हैं तो बोलते थे मैं सिर्फ, लेकिन शाहिद भाई रात को सोते नहीं है, मेरे को बोलते थे पाकिस्तान ऊपर जाकर तो बहन मैं कहाँ जाऊंगा, पाकिस्तान ऊपर जाकर तो बहन मैं कहाँ जाऊंगा। अभी शाहिद भाई तो रोज रात को सोते हैं, रात दिन नींद नहीं आती इनको, सचिन का नाम लग गया सबको, सचिन ने पूरे पाकिस्तान को नाम भूल गया था। सुनिए सुनिए बहन जी, मुझे भी आतंकवादी का दर्जा मिल गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, आपके पास आऊंगा, फैसल भाई के पास आऊंगा, शाहिद जी के पास आऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं, और पूरे परिवार के सहेती आपके पास आऊंगा मैं। सीमा की पूरी चलते रहो, मेरा कमेंट जाता रहे थे, सीमा क्या बोलती पता, लाइव बंद कर दो मेरा तो, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, जब आपके पास आऊंगा, आऊं या ना आऊं, पर सीमा को उसके अपराध की सजा, सीमा को उसके अपराध की सजा भारत का कानून देगा, और उसके इस अपराध की सजा मैं ही दिलवाऊंगा। लिख लीजिए मेरी बात, सीमा की तनख्वाह महीने की 16 लाख होने वाली है या है, क्या बोलती है, मेरे 16 लाख है, अरे मेरा महीने के सुंदाबाद मिलेंगे, सुनो सुनो मेरी बात, 16 लाख हराम महीने की बिना आपको कितना मिलेगा उसमें, मुझे मिल सकता है, मुझे अहमद साहब वो कहती है मेरे जो बहन मेरी जी सुनिए, मैं बहन जी से कहना चाहता हूँ मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं, मुझे तो एकदम आप शाहिद जी को बताया था मैं, मतलब निकल गया है, सुनिए सुनिए मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, और यूं जा रहे हो ऐसे जानते नहीं मानते नहीं तो हमारा तो मधेपुरा में रहते हो, ये लाइव बदने के बाद सीमा के घर जाना बोलना, मुझे कविता बहन ने भेजा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं रघुपुरा में, अरे मेरा हिस्सा कितना, सुनिए मेरी बात, कैसी बात कर रही हैं आप,
मैं दलाल नहीं हूं, मैं दलाल नहीं हूं, दलाल बहन जी आप, बहन जी आप तो बेकार की बातें कर रही है आप, मेरे हिस्से के बारे में ऐसी बातें मत करिए आप, मैं हिस्सा लूंगा क्या करूंगा, कैसी बात कर रही है। अरे मत लीजिए लेकिन उसको ये धमकी दो, 16 लाख ऐसे कैसे मैडी कमाएगी। अरे धमकियों को तो मैं गाना में घुस देता हूँ बहन जी, ऐसी बात मत करिए आप कि ये मुझे दलाली देगी, क्या बात कर रही है बहन जी आप, दलाली नहीं है ये, दलाली नहीं है आप। अरे ऐसी फीस नहीं लेता मैं, क्या बात सर, आप बात समझे नहीं। हाँ। वो असल में कविता बहन कह रही है, वो जावेद। अरे कविता बहन ये कह रही है कि सीमा जी से फीस लू, क्यों फीस लूंगा मैं सर, हाँ आराम खोद से मैं। वो कह रही है सीमा, ऐसी सुनिए मेरी बात, शायद जी मेरी बात, ऐसी हराम की फीस तो मुझे चाहिए ही नहीं, हराम की वकालत में करता नहीं, बेकार की बातें करने से फायदा क्या है। सही कह रहे हैं। मैं शायद जी सुनिए मेरी बात सुनिए फैसल भाई, मैं बिल्कुल बेबाक आदमी हूं, मैं किसी भी एंगल से मैं गलत नहीं हूं मैं, हाँ जी मुझ पे साले का आज तक किसी का कर्ज कोई नहीं है, किसी से दबा हुआ नहीं हूं मैं, मुझे कौन दबाएगा, ये मुझे दबाना चाहिएगा तो फीस ले लो क्या, ये कर लो गए, अरे कहेगा कोई साला मेरे पास आएगा तो उसका काम करूंगा, ना आएगा तो अपनी ऐसे करा। और सुनिए मेरा जो एडवोकेसी है वो पुस्तैनी एडवोकेसी है मेरी, मेरे पूरे परिवार एडवोकेट है मेरा, ऐसा नहीं है, और सारे के सारे व्यक्ति खुददार हैं, मैं तो थोड़ा बेईमान हूं मैं, खाली फीस लेने में मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है, पर यदि कोई भी व्यक्ति मेरे फादर के पास जाएगा तो वो, मेरे फादर तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है,